पटना के ज्ञान भवन के अंदर सरस मेला लगा है और सरस मेला के अंदर तरह तरह की वैरायटी की आपके घर में जो यूज करने वाली चीजें हैं वो मिलेगी आपको। अभी हम खड़े हैं कालीन की शॉप में, आप देख सकते हैं तरह तरह की कालीन है, तरह तरह की वैरायटी है, तरह तरह के डिजाइन है, आप देख सकते हैं। इतने दूर में सिर्फ आपको कालीन की ही दुकान मिलेगी। हम दुकानदार से बात करना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? हसीर अली। कहाँ से आए हैं? मिर्जापुर। मिर्जापुर से आए हैं। इस बार कैसा सेल चल रहा है? अभी तक तो खुला फिलहाल ठीक ठाक है, चल रहा है, अच्छा नहीं है। पहले ये जो मेला था गांधी मैदान के अंदर लगता था, तब ज्यादा बेहतर था या अभी ज्यादा? गांधी मैदान का अच्छा था, उधर का बेहतर था, उधर बिक्री भी ज्यादा, उधर बिक्री भी ज्यादा था। और अभी तो मतलब यहाँ का आपको रेंट भी देना होता होगा? रेंट देना पड़ता, तो गांधी मैदान में देना होता था, उसमें कम था, उसमें ज्यादा। इसमें क्या क्या लाए इस बार आप मिर्जापुर से पटना वासियों के? कालीन है, कारपेट बस यही है, सिर्फ कारपेट का काम करते हैं। और क्या क्या क्वालिटी है, क्योंकि इतने सारे कालीन है तो खासियत क्या है? मैडम हर एक क्वालिटी का आता है, हर एक क्वालिटी का रहेगा, जैसा आपको चाहिए सब मिलेगा। बेस्ट क्या है आपके पास? बेस्ट सब अच्छे, सब बेस्ट है, सब अच्छा वाले है। सबसे महंगा कौन सा है? महंगे में मैडम तो बहुत है, आप रेट ही बता दीजिए। कम से कम 2,500 से ले स्टार्ट है, सबसे कम दाम का? उसे 2,500 से सबसे कम दाम। देखो ये क्वालिटी साइज के ऊपर है, 600 का है, 500 का है, कोई 30,000 का है, 35,000 का है। आप लोग मिर्जापुर से आए कुछ आशा के साथ आए होंगे कि ऐसा बिक्री होगा क्या उस मुताबिक? ये बिक्री होगा फिर दूसरा बनाएंगे, तो ये आप लोग खुद बनाते? हाँ खुद बनाते हैं। कितना समय लग जाता है एक कालीन? वो कम से कम 1.5 महीने लगता है, महीने डेढ़ महीने की मेहनत है। और मिर्जापुर से आए हैं, बल्कि कहना ये है कि जब गांधी मैदान में सरस मेला लगता था तो काफी आराम भी होता था और बिक्री भी उस तरीके की होती थी, लेकिन ज्ञान भवन में इस तरीके की बिक्री नहीं हो पा रही है और रेंट भी उतना ही लग रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो कॉर्नर है वो कालीन को डेडिकेट करके रखा गया है, सिर्फ आपको कालीन की दुकानें दिखेंगी। और लोग दूर दूर से आए हैं ताकि वो जो मेहनत किए हैं उसका उनको पैसा मिले, ताकि वो अपने सामान को बिक्री कर सके, लेकिन इस बार इनकी बिक्री अच्छी नहीं चल रही है। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, आशीष टीवी, पटना।